bismillahir rahmanir rahim students we are studying chemistry 9th class chapter 3 that is about periodic table and periodicity of properties in last lecture we discussed history of periodic table contributions of different scientists were discussed different scientists tried in their own periods to arrange

if any student wants to ask any question regarding a previous lecture you can otherwise today we are going to start our next lesson that is about our next lesson is there about modern predictable हाँ जी बेटे को क्वेश्चन है किसी बच्चे का नो सर अवर टूडेज लेसन इज देयर अबाउट मॉडर्न पोडिकेबल हां जी बेटे को क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो पिछले टेबल से रिलेटेड हैं फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ डोबेरनर टूवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इजाज खान आजाद इजाज बेटा आवाज आ रही है तो आप बताएंगे सर sure. डोबेरनर की क्या कंट्रीब्यूशन थी सर ही ओके ओके बेटे आपके साउंड का थोड़ा ए, सा प्रॉब्लम आ रहा है ठीक है ठीक है मुझे पता चल गया डोबरीनर क्लासिफाइड एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स ऑफ थ्री ईच के डोबरीनर ने तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनाए और ये ग्रुप्स ऐसे थे कि प्रॉपर्टीज ऑफ मिडिल एलिमेंट वर एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट के मिडिल एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो पहले और एलिमेंट यानी अदर टू एलिमेंट्स का एवरेज थी

पीरियडिक टेबल का नाम किसने इंट्रोड्यूस करवाया तो बेटे मंडलीव ने करवाया किसने करवाया ने करवाया। बाकी बच्चे भी वेस्टेज ऑफ टाइम वोवेंट इन मेड पूछा गया मल्डीव के टेबल में इंप्रूवमेंट क्यों की गई बेटे दो वजूहत थी पहली बात बिस्ट पेयर्स ऑफ एलिमेंट वॉट टेबल ंग ऑर्डर ऑफ अटामिक मैसेज के ज्यादा अटामिक मैस वाला एलिमेंट पहले रखा गया था और कम अटामिक मैस वाला एलिमेंट बाद में रखा गया दूसरी बात जस्टिफाइड सो टू गिव प्रॉपर पोजिशन टू डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट एंड टू रिमूव दिसफिट पेयर ऑफ एलिमेंट्स मॉड नॉन प्रोडिक्टेबल जो है इट वॉज

ऐसा फंक्शन जो रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होता है उसको पीरियडिक फंक्शन कहते हैं अब ये इंटरवल्स मंडीप के टेबल में जो इंटरवल थे वो किसके थे एटॉमिक मैसेज के थे इसलिए लॉ को डिफाइन किया गया कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज व्हाई एंड हाउ एलिमेंट्स आर अरेंज इन एलिमेंट्स को पीरियड में क्यों अरेंज किया गया और कैसे किया गया

अनम्यूट है इस वक्त म्यूट कर लें डिस्टर्बेंस ना होता मॉडर्न पीरियडिक टेबल बड़े 1913 में एच मोसले एच मोसले हेनरी मोसले उसने ये डिस्कवर किया एटॉमिक नंबर के बारे में कि एटॉमिक नंबर जो है इट इज द मोस्ट यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट तो 1913 में हेनरी मोसले ने एटॉमिक नंबर डिस्कवर किए और एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होता है बेटे यू नो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम किसी एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स की तादाद है एटॉमिक नंबर उसके इक्वल लिया जा, लिया जाता है और न्यूट्रल एटम्स के अंदर एटम्स न्यूट्रल एटम्स में प्रोटॉन्स की तादाद और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम होती है लिहाजा जो एटॉमिक नंबर है जी बेटे सर प्रोटॉन पॉजिटिव बेटे आप किस क्लास में हैं इस वक्त जो है आप नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री चल रही है सर मैं अभी तो वही पाया बेटे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर ये कोई बच्चा मजाक कर रहा है बेटे ये मजाक का टाइम नहीं है आप लोगों को मैं बता चुका हूँ पहले आप क्लास में अगर नहीं थे तो आप समझ लें कि बेटे आप टीचर के सामने टीचर की प्रेजेंस में तो ऐसी वैसी बातें नहीं कर सकते ना तो इस वक्त आपको कोई बंदा भी नहीं देख रहा सिर्फ अल्लाह ताला देख रहा है क्या आपको अल्लाह ताला का खौफ नहीं है बातिल जो होता है ना वो हक के सामने नहीं ठहरता होता ओके बेटे हम बात कर रहे थे प्रेडिक्टेबल के बारे में नरी मोसले ने अटामिक नंबर जब डिस्कवर किया तो अटामिक नंबर किसके इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बेटे म्यूट कर लें इसके बाद म्यूट रहे अटामिक नंबर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के इक्वल होता है तो बेटे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन की बेसिस प्रोवाइड करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन में हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और अटामिक नंबर से इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मिल जाती है तो बताया कि अटामिक नंबर जो है इट इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट देन अटामिक मैस अटामिक मैस की निस्बित अटामिक नंबर जो है ये ज्यादा बेहतर प्रॉपर्टी है फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कैसे दो तरीकों से इट इनक्रीजेज रेगुलरली फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट एलिमेंट टू एलिमेंट इसमें जो चेंज आती है वो रेगुलर आती है दूसरी बात इट इज फिक्स्ड फॉर एवरी एलिमेंट हर एलिमेंट के लिए क्या है

चौथे और पांचवें पीरियड की बात करते हैं तो आफ्टर एवरी एटीन एलिमेंट प्रॉपर्टीज में रेपीटेशन आती है यानी सिमिलर प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं, इसलिए हम नया पीरियड स्टार्ट कर देते हैं बजाय उस पीरियड को आगे एक्सटेंड करने के अब इस वजह से जो लॉन्ग रोज एलिमेंट्स की हैं उनको बेटे कट करके शॉर्ट रोज और कॉलम्स बनाए जाते हैं तो सेवन रोज बनाए हैं और एट और एटीन जो एलिमेंट्स है हैं एट और एटीन एलिमेंट्स की ये रोज बनाई गई हैं अब एट और एटीन एलिमेंट्स की रोज कैसी हैं बेटे जैसे कि वर्टिकल और हाइजेंटर रोज जो हैं वो तो हासिल होती है और टेबल बनता है ये मैं आपको पीरियडेट टेबल से दिखा देता हूँ ये देखें ये पहला पीरियड तो शॉर्ट है जिसमें दो ही एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन और हीलियम तो ये बेटा देखें दूसरा और तीसरा पीरियड जो है ये एट एट, 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 एट एलिमेंट्स की रोज हैं जबकि चौथा और पांचवा जो पीरियड है ये एटीन एटीन एलिमेंट्स की रोज हैं और अगर आप सिक्स और सेवन पीरियड्स को देखें तो ये लॉन्गेस्ट पीरियड्स कहलाते हैं जिनमें हर जो है, उसके अंदर 32 आते हैं, ठीक है थर्टी टू एलिमेंट्स आते हैं और इसके अंदर ये जो फोर्टीन एलिमेंट्स हैं हर पीरियड में सिक्स और सेवन के ये एफ ब्ला के एलिमेंट्स हैं इनको नीचे रखा गया है ताकि इस पीरियड टेबल को बहुत लेंथी होने से बचाया जाए और एक पेज के ऊपर उसको एडजस्ट किया जा सके इस वजह से ये लैंथानाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं उनको नीचे रखा गया है बेटा यहां तक किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं नो ओके बेटा नेक्स्ट आप देखें इसकी हम फीचर्स देखते हैं पीरियडिक टेबल की इसके में से ये बड़े सर एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं कि वो जो 6 और 7 ने सर ग्रेड के थे सो른 को नीचे क्यों रखा गया था ठीक है

difficult ho jata so in order to properly manage periodic table on a single page, it has been separated and kept at the bottom. it's clear? yes sir. okay. अब ये हम इनकी features को देखते हैं। modern periodic table की features क्या हैं? बड़े seven horizontal rows हैं जिन्हें हम periods कहते हैं। इसमें periods जो हैं वो short भी हैं, normal भी हैं और long भी हैं। ये देख सकते हैं। ये सेवनिजेंटल रोज जो हैं ये है।, इसमें पहला जो है वो शॉर्ट पीरियड कहलाता है दूसरा और चौथा और पांचवा पीरियड जो है ये लॉन्ग पीरियड कहलाते हैं छठा और, और, है है। और सातवां जो है ये वेरी लॉन्ग पीरियड्स हैं अब आके यहां जो बुक में डिस्क्रिप्शन है उसके मुताबिक आप याद करेंगे क्योंकि यही रेफरेंस बुक आपकी यूज होनी है इसके मुताबिक

बेटे हाँ जी जान करें बेटे डिस्कनेक्ट हो तो जान करें सिर्फ फाइव टू सिक्स मिनट्स के अंदर हम कोशिश करेंगे कि बाद में कवर कर दें लेक्चर अटेंडेंस बेटे मैं इसके बाद लेता हूँ okay. एटीन वर्टिकल कॉलम्स हैं जिनको हम ग्रुप्स कहते हैं ये कॉलम्स आप देख सकते हैं ये वन टू तो, थ्री फोर सो ऑन एटीन तक देख रहे हैं ग्रुप्स एटीन जो ग्रुप्स कहा गया ये वर्टिकल कॉलम्स जो है इनको ग्रुप्स कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बेटे एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं फोर ब्लॉक्स पीरियडिक टेबल के जो हैं, फोर ब्लॉक ये डिपेंड करते हैं अपॉन द टाइप ऑफ सबशेल विच गेट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन के आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में जाता है उसके मुताबिक ब्लॉक्स बनाए गए हैं एस ब्लॉक पी ब्लॉक एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक कैसे बनते हैं ये मैं आपको दिखा देता हूं ये देखें जो पहले दो ग्रुप्स हैं फर्स्ट टू ग्रुप्स ये एस ब्लॉक बनाते हैं जो आखिरी छह ग्रुप हैं थर्टीन से लेकर एटीन तक ये पी ब्लॉक बनाते हैं और जो दरमियान में थर्ड से लेकर ट्वेल्थ तक के एलिमेंट्स हैं तीसरे ग्रुप से लेकर बारहवें ग्रुप तक के एलिमेंट्स ये डी ब्लॉक बनाते हैं और जो नीचे दो रोज हैं लेंथा और एक्टी की ये एफ होते हैं बेटे मैं दोबारा आपको बता दूं कि इनको इन ब्लॉक्स में क्यों रखा गया जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ड्रा करते हैं जो कि आपको समझाई जा चुकी है तो एस ब्लॉक पहले दो ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स हैं इनमें से किसी भी एलिमेंट की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ड्रा करें उसका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा वो एस सबसेल में आएगा पी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट लेकर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ड्रा करें उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में आएगा डी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिकेशन आप ड्रा करते हैं आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में आएगा अगर एफ ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट है आपने इलेक्ट्रॉनिक ड्रा की तो आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ में आएगा इस वजह से इनके ये चार ब्लॉक बनाए गए हैं बड़े ब्लॉक्स की समझ आई आपको यस yes, सर ये देखिए कंप्लीशन ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन ऑफ पर्टिकुलर सबसे बताया कि एलिमेंट्स जो सिमिलर सबसे कॉन्फ़िग्रेशन वाले हैं उनको एक ग्रुप में रखा गया है ठीक है? उनको एक ग्रुप में रखा गया और तो जो एफ जी ब्लाक के, के एलिमेंट्स वो भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इन दोनों को

फर्क क्या है इनको डी ब्लॉक वालों को आउटर ट्रांजिशन कहते हैं इनको ट्रांजिशन कहते हैं अब इनर ट्रांजिशन क्यों कह रहे हैं क्योंकि एलिमेंट्स के में आ रहे हैं, ठीक है? आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो पूछे बताना एस ब्लॉक एप, एप ओके, एप बलाक. एप बलाक एलिमेंट्स जो है एलिमेंट्स की एक छठे पीरियड में, में आती है एक्टीनियम के बाद लेंथानाइट और एक्टी जो हैं ये दो सीरीज हैं तो एलिमेंट्स की एक छठे पीरियड की और एक सातवें पीरियड की इनकी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ड्रा करें तो आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल में आता है इस वजह से इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं और पीरियड टेबल को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए इनको इनकी जगह पर यहां पे नहीं रखा गया छठे सातवें पीरियड में बल्कि एट द बॉटम ऑफ पीरियड टेबल रखा गया है बेटे यू आर जस्टिफाइड यस थैंक यू एनी अदर क्वेश्चन नो सर okay we wind up this lesson and uh, you are to study it thoroughly tomorrow you can okay. ask, uh, ask any question regarding this uh, lecture okay Allah Hafiz